हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच में जो फर्स्ट एंड लास्ट T20 मैच होने वाला है लंदन में, इस मैच के बारे में। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जो वेस्ट इंडीज़ के टीम के साथ वर्ल्ड 11 के साथ जो पहला और आखिरी जो है एक ही जो T20 मैच होने वाला है लंदन में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो है प्लेइंग 11 न्यूज़ एंड स्क्वाड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक आपने अगर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। आपको यहाँ पे जो है अपडेटेड न्यूज़ टीम एंड सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया था क्योंकि जो है मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपडेट करने के लिए। तो फ्रेंड अगर आपने अपडेट डाउनलोड किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खोल के देख सकते हो। आपको यहाँ पे सब कुछ जो अपडेटेड मिल जाएगी। अगर आपने नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लो। और आपसे जो है कुछ भी परमिशन ये नहीं मांगेगा आपके मोबाइल या फिर कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग। तो फ्रेंड जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको पहले जो है दोनों टीम के स्क्वाड देखने को मिल सकता है। तो पहले जो है ईएन मॉर्गन इसकी कैप्टनसी करने वाले थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो अब वो नहीं खेलेंगे। उसकी जगह जो है शाहिद अफरीदी, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी नहीं है। तो फ्रेंड बहुत सारी चेंजेस है, लेकिन हमें उतना सोचना नहीं है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि कौन कौन खेल रहा है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं पहले वेस्ट इंडीज़ के प्लेइंग 11 के बारे में। वेस्ट इंडीज़ के लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं दिनेश रामदीन, बैट्समैन पे ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल और एवन लुइस, मार्लन सैमुअल्स, एंड्रू फ्लेचर या फिर रोमन पावल में से कोई एक खेलेगा। वहीं पे ऑलराउंडर पे कार्लोस ब्रैथवेट, आंद्रे रसेल एंड केमो पॉल आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बॉलर्स पे बात करें तो यहाँ पे सैमुअल बद्री और क्रिक विलियम, एसलेनर्स या फिर एमडिट में से कोई एक खेलेगा। तो वहीं पे अगर हम लोग वर्ल्ड 11 के प्लेइंग 11 के बात कर लेते हैं तो वहीं पे दिनेश कार्तिक जो है विकेट कीपिंग करेंगे, तमिंग इकबाल, रुक रोंकी, सैम बिलिंग, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, तीसरा परेरा जो है बैट्समैन एंड ऑलराउंडर होंगे। और वहीं पर बॉलिंग में राशिद खान, मैक्लेरेगन और संदीप लमी छन्ने या आदिल रसीद जो है बॉलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम एंड एनालिस के बारे में। तो आपके लिए जो है बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन जो रहेंगे, बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक रहेंगे। आपने IPL में देखा होगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे और बहुत ही अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे। वहीं पर बैट्समैन की बात कर ले तो आप ईएन मॉर्गन को मत लीजिएगा क्योंकि वो स्क्वाड पर नहीं है। क्रिस गेल आप चाहें तो तमिंग इकबाल को ट्राई कर सकते हैं, एविल लुइस, शोएब मलिक और लुक लॉन्की को मैंने लिया है। आप चाहें तो इसके अलावा सैम बिलिंग को या फिर रोमन पावल को आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे मार्लन सैमुअल्स एंड तमिंग इकबाल भी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आंद्रे रसेल हार्दिक पांड्या को आप मत लीजिए क्योंकि वो अब स्क्वाड पर नहीं है। आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट एंड शाहिद अफरीदी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। वहीं पे आप जो है तीसरा परेरा और केमो पॉल को भी जो है ट्राई कर सकते हैं। बॉलर्स की बात करें तो आपको ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिच शायद लंदन में होगा क्योंकि एक ही T20 मैच होने वाला है। तो राशिद खान, रायड इमरीत या फिर को मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने संदीप लमिछन्ने को भी लिया है क्योंकि बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर है और बहुत ही ज़्यादा इनको विकेट मिलने के चांसेस है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कैप्टन जो है दिनेश कार्तिक को लिया है और वाइस कैप्टन क्रिस गेल को लिया है। आप चाहें तो एविन लुइस को बना सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। और ग्रैंड लीग में आप आंद्रे रसेल, राशिद खान या फिर संदीप लमिछन्ने को मैं जो है बना सकते हो। इसके अलावा आपके पास लुक रॉन्ग के भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी अपडेट और इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर मैं यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम भी अपडेट कर दूँगा मेरी एप्लीकेशन पे, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।